सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर टू वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो वेक्टर का भी होता है, लाइन का भी होता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पहले देख रहे हैं फिर बाद में लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ सिमिलरिटी है लाइन और वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। साथ में एक थ्री डायमेंशनल फिगर को हम लोग प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिगर से समझाऊंगा लेकिन आप उसको इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। कि सपोज कीजिए कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच ये वेक्टर ओ पी मेक्स विथ ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेज ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डी एस एपोस्ट्रॉफी एस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओ पी एंड डिनोटेड बाय एल कॉमा एम कॉमा एन रिस्पेक्टिवली। क्या है जरा यहाँ पर फिगर से समझिए कि सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। 3D लुक हम देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक लाइन है, एक वेक्टर है, सॉरी एक वेक्टर है ओ पी। ये वेक्टर किस तरीके से है आप जरा समझिए। ये इस तरीके का कुछ वेक्टर होगा जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, इस तरीके से निकला हुआ और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओ पी वेक्टर जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से आ रहा है ये वेक्टर। तो सपोज कीजिए ये जो वेक्टर है ओ पी वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। और वाई एक्सिस के साथ जो है यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है ये एंगल बीटा है। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो गामा है। जब यहाँ पर ये एक वेक्टर होगा इस तरीके से तो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, कुछ वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और कुछ जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। तो अगर वेक्टर ओ पी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो उसमें आप कॉस लगा दीजिए। कॉस लगाने के बाद जो आएगा वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच ये वेक्टर ओ पी मैक्स विथ ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेज ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। वेक्टर ओ पी जो है वो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो उसमें कॉस लगा देंगे, जो भी एंगल वो फॉर्म कर रहा है एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ उसमें कॉस लगा देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी। और डिनोट कैसे करते हैं, एल एम एन से, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू एम, कॉस बीटा इक्वल टू एम और कॉस गामा इक्वल टू एन। ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल होगा वो एंगल को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर नोन एज द डायरेक्शन एंगल्स। एंड ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जीरो और पाई के बीच में ही होगा, इस इंटरवल में होगा, जीरो पाई। क्यों इस इंटरवल में होगा जरा समझिए। एक्चुअली ये अल्फा बीटा गामा है क्या, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आप यहाँ पर समझिए एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर ओ पी है। तो वेक्टर ओ पी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। अब ये अल्फा का वैल्यू जीरो से पाई तक ही हो सकता है, क्योंकि आप जरा समझिए, मान लीजिए ये वेक्टर ओ पी अभी ऐसा है, मान लीजिए वेक्टर ओ पी ऐसा आ जाए,
तो ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, ये पाई बनाएगा। अगर वेक्टर ओपी इसी डायरेक्शन में है तो वो कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। मान लीजिए अगर ये वेक्टर ओपी इधर से हम लोग कर दें, वेक्टर ओपी जो है वो इस तरीके से कर देते हैं, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 और पाई के बीच में ही है। तो जब भी एंगल जो बनेगा कोई भी दो लाइन के बीच जब एंगल बनता है, आपको पता ही होगा कि कोई भी दो लाइन के बीच एंगल बनता है तो इसको भी कहते हैं हम लोग एंगल, और इसको भी एंगल कहते हैं, इसको भी एंगल कहते हैं। दो लाइन के बीच अगर लाइन की बात करें, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन इधर भी है और ये इधर भी जाता है, तो लाइन इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, तो ये भी एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस एंगल को भी कहेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन जब हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये जो वेक्टर ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, तो ये भी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ, और ये वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये जो एंगल है वो अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू 0 और पाई के बीच नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप कोई भी दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो 0 और पाई के बीच में ही होता है। अगर ये मान लीजिए अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा होगा, लेकिन ये जो एंगल आएगा, जो भी एंगल आएगा दोनों लाइन के बीच, वो 0 और 180 डिग्री के बीच होगा। मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी यही आ गया, तो उसके बीच 0 डिग्री एंगल बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पाई बन रहा है। और अगर ये एक दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता है दो लाइन के बीच का। तो इसीलिए ये जो अल्फा बीटा गामा जो होगा वो 0 और पाई के बीच में ही होगा, 0 और पाई के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा हो सकता है, पाई से छोटा हो सकता है, 0 और पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है वो 0 और पाई के बीच में होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो इसमें कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इसी को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी। और यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे एल से, इसको डिनोट करेंगे एम से, और इसको डिनोट करेंगे एन से। अब जरा आगे देखिए, ये जो वेक्टर ओपी है उसका डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर दें, अभी हम लोग ओपी डायरेक्शन ले रहे थे, पीओ डायरेक्शन ले, तब क्या होगा जरा समझिए इसको। अगर ये वेक्टर ओपी जो डायरेक्शन है उसको हम लोग इधर बढ़ा देते हैं, इस डायरेक्शन में कर देते हैं, पीओ डायरेक्शन में, तो क्या होगा, पीओ डायरेक्शन में करने पर क्या होगा कि ये जो एंगल बना रहा था ये अल्फा मान रहे थे पहले ओपी डायरेक्शन में, लेकिन अगर पीओ डायरेक्शन में बना रहा है, डायरेक्शन इधर आ गया, तो इसका देखना पड़ेगा कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो अगर ये अल्फा था तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर ओपी जो है वो अल्फा एंगल बना रहा था तो पीओ कितना एंगल बनाएगा, पीओ जो है वो पाई माइनस अल्फा बनाएगा। तो इसी तरीके से एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है वो पाई माइनस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनेगा वो पाई माइनस बीटा हो जाएगा, और जेड एक्सिस के साथ जो बनेगा वो पाई माइनस गामा होगा। तो इसमें हम लोग अब कोसाइन लगाएंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा। तो वैसे केस में पी ओ वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा हो जाएगा। और पी ओ डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है तो, और कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू होता है माइनस कॉस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस गामा, और माइनस कॉस अल्फा माइनस रहने दीजिए, कॉस अल्फा को हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर कॉस बीटा को एम से डिनोट कर रहे थे, और कॉस गामा को एन से डिनोट कर रहे थे। तो अगर वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है तो वेक्टर पीओ का डायरेक्शन कोसाइन वैसे केस में हो जाएगा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो ये चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, यानी कि वो एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो वेक्टर पीओ जो है वो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा एंगल बनाएगा। और वैसे केस में वेक्टर पीओ का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो माइनस एल माइनस एम माइनस एन होगा। वेक्टर ओपी का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है तो वेक्टर पीओ का डायरेक्शन कोसाइन उसी का नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आई वेक्टर का निकालना हो कोड डायरेक्शन कोसाइन आई वेक्टर का, तो आई वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, जब समझिए यहां पर आई वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर ले रहे हैं, ये आई वेक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? ये वेक्टर आई है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री। अब अगर इस आई वेक्टर की बात करें तो ये वाई एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाई एक्सिस है और ये है आई वेक्टर, तो ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? तो ये जेड एक्सिस के साथ आप देख रहे होंगे, ये जो जेड एक्सिस है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आई वेक्टर था, ये आई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 0, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसमें कोसाइन लगा देंगे तो कॉस 0 डिग्री, यहाँ कॉस 90 डिग्री और यहाँ भी कॉस 90 डिग्री, यही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आई वेक्टर का। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का 0। तो आई का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 1 0 0 होगा, यानी कि एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0। तो आई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करें, आई का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई आर, आई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 1, 0, 0। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम लोग जे की बात करें, तो जे कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। तो जे का इसी तरीके से आप निकाल करके देख सकते हैं 0, 1, 0 होगा। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ के जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस होता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0, 0, 1। तो ये तीनों वेक्टर जो आई जे के होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पढ़ रहे हैं वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर वो ओरिजिन से नहीं पास करे तो वैसे केस में उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, ये वेक्टर ए और बी है, ये स्पेस में कहीं पर भी वेक्टर हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? इसी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जो ओरिजिन से पास करे, सेम मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड इतना इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता होगा दो वेक्टर इक्वल कब होता है, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का सपोर्ट जो है वो सपोर्टिंग लाइन पैरेलल हो और डायरेक्शन भी अगर सेम हो, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होता है। तो चूंकि ये वेक्टर ए बी है और इसी के पैरेलल यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएगा और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही डायरेक्शन कोसाइन इसका होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर ए बी का, तो इसी के पैरेलल हम लोग ओरिजिन से पास करता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसके बाद इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद वही डायरेक्शन कोसाइन इसका हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल रहे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन दोनों का सेम होता है। तो इस वेक्टर का अगर निकालना है तो इसी के पैरेलल ओरिजिन से पास करते हुए वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही डायरेक्शन कोसाइन इसका भी होगा। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट रिजल्ट ये है, लेट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी ए पॉइंट इन स्पेस सच दैट वेक्टर आर इक्वल टू ओ पी। क्या कह रहा है इस फिगर से देखिए कि स्पेस में कहीं पर भी एक पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट है वो पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है और इस पी को ओ से ओरिजिन से मिला दे रहे हैं। इस वेक्टर ओ पी को हम लोग सपोज कर रहे हैं आर, वेक्टर ओ पी जो है वो आर के बराबर है और इसका डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एन है, हैज डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एन। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। तो अब इसको कैसे प्रूव करते हैं? किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, उस डायरेक्शन कोसाइन, तीन डायरेक्शन कोसाइन होता है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है हम लोग को, ये एक रिजल्ट हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि लेट ओ पी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर ओ पी है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि जो एंगल बनाता है उसमें कॉस लगा देंगे तो वही डायरेक्शन कोसाइन होता है, और डायरेक्शन कोसाइन को एलिमेंट से डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से डिनोट करेंगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब जरा समझिए, यहाँ पर आपको वेक्टर में ये चीज़ पता होगा कि अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है और ये ओरिजिन से मिला करके एक वेक्टर बना रहे हैं आर, तो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि देयर फोर वेक्टर आर जो वेक्टर ओ पी के इक्वल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ये इसके इक्वल होगा। ये आपको वेक्टर से पता होगा कि अगर कोई भी पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इसको ओरिजिन से जब मिलाएंगे तो ये जो वेक्टर आर बन रहा है उस वेक्टर आर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और ये मैग्नीट्यूड बताएगा क्या? ये बताएगा उस वेक्टर का लेंथ। तो वेक्टर का लेंथ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है OP, तो OP जो है वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर में? ये I, J और K का जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम करके रूट अंडर कर देते हैं, तो ये जो है वो वेक्टर OP का यानी वेक्टर R का ये मैग्नीट्यूड बताएगा। अब जरा यहाँ पर समझिए, इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, y, z है, तो ये x कौन सा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ P से हम लोग x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर है। आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर है तो थ्री डायमेंशनल फिगर को हम लोग प्लेन पर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक थ्री डायमेंशनल लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो OP वेक्टर है, OP जो लाइन है, वहाँ P पॉइंट से x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जैसे आपका ये x एक्सिस है, और इस x एक्सिस से इधर जो है वो वेक्टर OP है, ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो है मान लीजिए वेक्टर OP है और ये x एक्सिस है, तो यहाँ से इस तरीके से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये जो है आप इधर देखिए, ये जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ से ड्रॉ किए हैं? ये जो OP वेक्टर है यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप समझने की कोशिश कीजिए, थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ए है, या इसको हम लोग एम सपोज कर लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट किसका हो गया? पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एन है, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है, और यहाँ से अगर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको मिला देंगे, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ ये वाला ले रहे हैं, हम लोग फिलहाल एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो ले रहे हैं। तो कैसा फिगर बन रहा है, जैसे यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो ओपी वेक्टर हो गया, और जिस पर हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब ये आप कहिएगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आपको दिख पा रहा होगा कि ये 90 डिग्री है या नहीं, लेकिन ये दोनों लाइन की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या? लेकिन आप इमेजिन कीजिए ये 90 डिग्री है, ये जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये आप इमेजिन कीजिए, ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, तो जो दिख नहीं रहा है वो यहां पर एक्चुअल में है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर है, प्लेन पर हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये सपोज कीजिए कि ये P पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z था, और यहाँ से हम लोग x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट आप फिगर में देख रहे हैं, ओ एम जो है वो x कोऑर्डिनेट है, और ओ पी डिस्टेंस जो है वो r कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? r भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को आर लिख रहे हैं, तो ये जो है वो डिस्टेंस हो गया आर। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है, ये जो ओ पी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फ़ा, और ये 90 डिग्री है। तो हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम में। आप इस ट्राइंगल में देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मीन्स यहाँ हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, और ओ एम का वैल्यू एक्स है और ओ पी का वैल्यू आर है, तो यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा को एल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा डायरेक्शन को साइन बता रहा है, तो ये एल हो जाएगा, एल इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, इम्प्लाइज यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू एल, या इसको आप एल इंटू आर जो भी कहिए, तो x का वैल्यू l इंटू आर निकला, इससे p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो l इंटू आर हो गया, ये जो डिस्टेंस है वो पी आर ये है। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि y जो कोऑर्डिनेट होगा, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू आर होगा। ये x एक्सिस से ले रहे थे, तो x एक्सिस में ये डायरेक्शन को साइन अल्फा है, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ लेंगे तो बीटा बनाएगा, तो वहाँ डायरेक्शन को साइन m हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो m इंटू आर होगा, और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो n इंटू आर होगा। अब ये तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर r स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर r स्क्वायर लिख सकते हैं, और z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर r स्क्वायर लिख सकते हैं, z का वैल्यू n r है, तो इसका स्क्वायर करने पर। अब जरा समझिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रूट अंडर हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया r स्क्वायर, और यहाँ से r स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये आ रहा है 1, तो यही प्रूव करना था, और एक रिजल्ट हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब कुछ रिजल्ट को और जरा देखिए, विक्टर r इक्वल टू इतना है, यहाँ पर सिंस विक्टर r इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ पर हम लोग x और y और z का जो वैल्यू निकाले हैं वो पुट करते हैं, तो क्या हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं, जरा देखिए कि x का वैल्यू निकाले हुए हैं एल आर, तो ये हो जाएगा एल इंटू आर, और ये r का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, ये एल आर जो लिखा हुआ है r क्या बता रहा है, r जो है वो विक्टर r का मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो आप इसको l इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ विक्टर r लिख सकते हैं इंटू i कैप, x का वैल्यू लिख दिए और i कैप, फिर y का वैल्यू लिखते हैं, तो y का वैल्यू है m इंटू r, तो m इंटू r जो है वो r विक्टर r का मैग्नीट्यूड है, तो ये y का वैल्यू, और फिर j यहाँ पर लिख जाइए, प्लस z इंटू k, तो z जो है वो n इंटू r है, तो यहाँ n लिखिए और r को हम लोग विक्टर r का मैग्नीट्यूड और इंटू k। अब जरा समझिए कि विक्टर r इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ r को आप कॉमन ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कॉमन ले लेंगे, ये तीनों में है, तो क्या बच रहा है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ r को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो विक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू यहाँ पर आ गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आप याद कीजिए, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बताता है उस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा, क्या है ये रिजल्ट जरा समझिएगा, कि अगर कोई वेक्टर आर है, मान लीजिए ये वेक्टर जो है वो आर है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, इस वेक्टर r का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो इस वेक्टर r का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन को i के साथ, j के साथ और k के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसको ऐड कर दें, तो ये जो कम्बिनेशन होगा, लीनियर कम्बिनेशन, वो उस वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर बताएगा, आर कैप बताएगा। ये एक तो रिजल्ट ये हुआ। दूसरा रिजल्ट,
अब हम लोग इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आर लिख सकते हैं, यानी कि एल इंटू मॉड ऑफ आर भी कह सकते हैं, ये आर का मैग्नीट्यूड। और वाई, वाई को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और जेड को लिख सकते हैं एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पर ये जो है वो कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट का लिख सकते हैं। तो एक दूसरा रिजल्ट ये हो गया कि अगर वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो इस वेक्टर, और ये वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, तो इस वेक्टर के ये p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा l इंटू मॉड r प्लस m इंटू मॉड r प्लस n इंटू मॉड r लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर r होगा, ये वेक्टर आर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एन इंटू आर है, और आर को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख रहे हैं। अब तीसरी चीज़ ये जो है एक्स क्या बताता है, एक्स बताता है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? आपको वेक्टर में पता होगा कि मान लीजिए ये एक लाइन है और एक कोई ये वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, और इस वेक्टर के जो एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और जो यहाँ टर्मिनल पॉइंट है, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इस एम एन को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन दिस लाइन। तो ये यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर ही है, आपको मैं समझा रहा था कि वहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही पॉइंट हो गया। तो ओ एम को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन द लाइन ओ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये प्रोजेक्शन है। तो एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स के बराबर है, और एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, एल आर के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ, तो अगर इस वेक्टर ओपी का प्रोजेक्शन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एल इंटू मॉड आर लिख सकते हैं। ये ओपी जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ए, एल एम और एन है, तो इस ओपी का प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पर एल इंटू मॉड आर होगा। और प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर जो आएगा वो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो एम इंटू आर, तो ये एम इंटू मॉड आर हो जाएगा। और प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस पर लिखना है तो वो हो जाएगा एन इंटू मॉड आर। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, ये कुछ रिजल्ट हो गया यहाँ पर। तो इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना, आगे ज़रूरत पड़ता है इस रिजल्ट का। अब आगे समझिए कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या ये हो सकता है क्या, वन टू और थ्री, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ऐसा होना चाहिए ताकि उसके स्क्वायर का जो सम है वो वन के बराबर आ जाए, तभी इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का एक प्रॉपर्टी जा चुका है, अभी एक रिजल्ट आ चुका है कि तीनों के स्क्वायर का सम वन के इक्वल होना चाहिए। तो ये तीनों के स्क्वायर का सम वन नहीं होगा, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। देखिए एक डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू टू बाई थ्री, एम इक्वल टू टू बाई थ्री, और एन इक्वल टू जो है वो हम लोग ले रहे हैं वन बाई थ्री, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, जरा समझिए। ये तीनों का स्क्वायर का सम हम लोग करके देखते हैं कि ये वन के इक्वल आता है कि नहीं। तो एल का स्क्वायर करते हैं तो फोर बाई नाइन, एम का स्क्वायर कर रहे हैं फोर बाई नाइन, यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं वन बाई नाइन, और नाइन आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ऊपर फोर प्लस फोर प्लस वन आ जाएगा, तो ये ऊपर नाइन डिवाइडेड बाई नाइन, ये वन आ रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है किसी भी वेक्टर का। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर है तो उसके स्क्वायर का सम जरूर वन होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है किसी भी वेक्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन रेशियो देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है किसी भी वेक्टर का। तो सपोज कीजिए एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर एंड ए बी सी विथ थ्री नंबर्स। एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी कोई भी तीन नंबर है, इस प्रकार है कि एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी तीनों इक्वल है, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग एल एम एन से। तो ये तीनों जो है वो रेशियो अगर इक्वल है तो इस ए बी सी को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट वेक्टर। एलिमेंट जो है डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी तीन नंबर ले लेना है, और ऐसा लेना है ताकि ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, तो ऐसे नंबर को ही कहेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो।
या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है, तो देन वी से दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। जरा समझिए इसको, इस एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग देखें कि ये डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, अब हम लोग तीन नंबर चूज करते हैं, तीन नंबर मान लीजिए ए के जगह हम लोग फोर चूज कर रहे हैं, बी के जगह भी फोर और सी के जगह हम लोग टू लिख रहे हैं। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है, मैं अभी बता रहा था एल बाई ई और एम बाई बी एन बाई सी, ये रेशियो देखना है। तो एल का वैल्यू है 2/3 और यहाँ पर ए का वैल्यू है 4, तो आप देखिए ये 2/3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो करके 1/6 आ रहा है। इसी तरीके से आप m बाई बी निकालिए, तो m का वैल्यू है 2/3 और डिवाइडेड बाई b का वैल्यू है 4, यहाँ पर देखिए ये 2/3 इंटू 4 होगा, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/6 आएगा। और n बाई सी निकालिए, तो n का वैल्यू है 1/3 और c का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2, ये भी 1/6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीन रेशियो निकाल रहे हैं l बाय a, m बाय b और n बाय c, ये तीनों इक्वल है, यानी कि l डिवाइडेड बाय a इक्वल टू m डिवाइडेड बाय b इक्वल टू n डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 1/6 आ रहा है। तो अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए, तो ये जो नंबर ए बी सी है, इसी ए बी सी को कहेंगे उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, यानी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 2, यानी ए बी सी का जो वैल्यू है वही डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो होता कैसे, कैसे निकालते हैं, जरा इसको समझिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये जो तीनों रेशियो है वो इक्वल है, तो सिंस यहाँ l डिवाइडेड बाय a इक्वल टू m डिवाइडेड बाय b इक्वल टू n डिवाइडेड बाय c तीनों इक्वल है, सपोज कर लीजिए ये जो है वो 1/k के इक्वल है, कोई नंबर आएगा, ये रेशियो तीनों इक्वल है तो कोई नंबर आएगा, तो उस नंबर को 1/k मान रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि l बाय a, m बाय b, n बाय c कौन सा नंबर आ रहा था, 1/6 आ रहा था, तो इसी तरीके से ये जो रेशियो आएगा, सपोज कर लेते हैं कि 1/k आ रहा है, तो आप यहाँ से देखिए कि l बाय a और 1/k इक्वल है, तो आप इसको लीजिए l बाय k, a जो है वो 1/k के इक्वल है, और m बाय b जो है वो भी किसके इक्वल है, m बाय b इक्वल टू 1/k, और n बाय c जो है वो भी 1/k के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इंटू k, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा m इंटू k, और यहाँ से c इक्वल टू n इंटू k। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 कर देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी रेशियो नहीं आना चाहिए, तो k नॉट इक्वल टू 0 है। तो जरा समझिएगा, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। तो a b c निकालते कैसे हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन था l m n, उस तीनों में से हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, l में भी k से, m में भी k से और n में भी k से, तो जो नंबर a b c आ रहा है उसी a b c को कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। यानी करना क्या है, बड़ा आसान है, कि जो डायरेक्शन कोसाइन था l m n, उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा उस नए नंबर को हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियो उस वेक्टर का, या कहेंगे कि उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a b c के प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर आप जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, यहाँ पर समझिए कि जो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन था, उसमें प्रत्येक में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से एल में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू एल कितना आ रहा है, 6 को एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 और एल का वैल्यू आ रहा है 2/3 था एल का वैल्यू, तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जा 4, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम को भी, तो 6 इंटू एम का वैल्यू है 2/3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 6 से n को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n का वैल्यू है 1/3, तो ये भी कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा 2। तो ये जो 6 से मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर आया है, उसी को a b c से डिनोट करेंगे और यही कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या 6 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी रियल नंबर से, तो आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो नॉन जीरो होना चाहिए। अभी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, मान लीजिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एल निकाल लीजिए, 12 एम निकाल लीजिए, 12 एन निकाल लीजिए, तो ये जो आएगा वो भी डायरेक्शन रेशियो ही होगा। 12 एल निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, आप देखिए 12 इंटू 2/3,
थ्री से कैंसिल हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू टू बाई थ्री, थ्री से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो फोर, फोर टू जा एट आएगा। यहाँ पर भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वन बाई थ्री में, तो ये कैंसिल होकर के फोर आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ये भी हो जाएगा, यानी डायरेक्शन रेशियो जो है वो यूनिक नहीं है, डायरेक्शन रेशियो कई डायरेक्शन रेशियो हो सकता है किसी भी एक वेक्टर का, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो का सेट मिल सकता है। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा उस वेक्टर का। हम लोग 12 से किए हैं, हो सकता है 11 से भी कर सकते हैं, 13 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो न्यू नंबर्स ए बी सी जो नंबर मिलेगा उसी को ए बी सी से डिनोट करेंगे, वही डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इसीलिए हम लोग किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये नहीं कहते हैं कि ए बी सी है, कहते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल जो भी नंबर है वो सारा नंबर डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए बी सी जो नंबर होता है वो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है एल का, ये प्रोपोर्शनल होता है एम का, और ये प्रोपोर्शनल होता है एन का। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एल एम एन तीनों का प्रोपोर्शनल जो है नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट वेक्टर, या कहेंगे कि उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो एक यूनिक होता है किसी वेक्टर का, एल एम एन ही होता है। लेकिन यदि अगर हम लोग वेक्टर का साइन अपोजिट कर देते हैं तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, लेकिन अगर ओपी वेक्टर का है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एल एम एन है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है वो यूनिक नहीं, बल्कि वो यहाँ इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो बता रहे हैं तो क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे जरा समझिए। अभी हम लोग देखे हैं कि ये जो है वो डेफिनेशन है डायरेक्शन रेशियो का, यहाँ पर एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी जो है वो इक्वल होता है, तो ये नंबर को हम लोग लेमडा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो तीनों रेशियो है वो लेमडा के इक्वल है। अभी हम लोग जैसे 1 बाई के माने थे, तो 1 बाई के भी तो एक नंबर हो गया, तो इस नंबर को हम लोग लेमडा कह रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L इक्वल टू हो जाएगा A लेमडा, इसी तरीके से M इक्वल टू आएगा यहाँ से B लेमडा, और यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा C लेमडा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी L स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इधर ले आ रहे हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, एल का वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू ए लेमडा है, तो ए रहने दीजिए और लेमडा का वैल्यू ये है, तो प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ए तो रहने देते हैं और लेमडा में प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस हो जाएगा और लेमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो ए मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, एम का वैल्यू बी लेमडा है, आप देख पा रहे होंगे एम का वैल्यू जो है वो बी लेमडा है, तो यहाँ पर बी रहने दीजिए और लेमडा का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरीके से एन का वैल्यू सी लेमडा है, तो सी यहाँ रहने दीजिए और लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर डायरेक्शन रेशियो पता रहे, ए बी सी पता रहे, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ दो सेट मिल रहा है, या तो सभी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है या सभी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, तो इस तरीके से एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। अब इससे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड और भी कुछ रिजल्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। और
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।